वो यार बड़ी क्या करें, आप तो लेट हो गए, स्कूल की बस भी छूट जाएगी आज। लेट तो होंगे ही ना, तुझे क्या जरूरत थी उस रिक्शे वाले से लड़ाई करने की? अब हो गए लेट, कैसे जाएं? यार बड़ी मेरी वजह से लेट नहीं हो रहे, लेट आपकी वजह से हो रहा है। दस किलो का मेकअप, अरे इतने घंटे कौन लगाता है? हम की शादी में जा रहे हैं, इतना मेकअप फोड़ते हो तुम? ओ ज्यादा ना बकवास मत कर, वरना ये तेरी चुटिया है ना, इसको 360 घुमा दूंगी, समझ आई? आज दंगल गैंग के बीच लड़ाई हो रही है और वो भी मेरे बिना। आ जा तू भी लड़ ले, दो चार दांत तेरे भी तोड़ देते। अरे अरे तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो, स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी चलो वरना बस लेट हो जाएगी। अरे भाई जाना है पर बस के पास जाएंगे थे, उसी का जुगाड़ लगा रहे हैं। अरे बच गई पर किससे बच गई, इतनी खुश क्यों हो रही है? अरे तुम लोग भी यही हो और मैं भी यही हूँ, मुझे लगा तुम लोग चले गए, अब सब लेट होंगे बस के लिए तो एक साथ लेट होंगे। शुक्र। पर यार अब स्कूल जाएंगे कैसे? बड़ी वो देख रिक्शे वाले भैया। ओहो छोटी रिक्शा तो खड़ा है पर रिक्शे में जाएंगे कैसे? तेरे पास पैसे हैं? जितने पैसे थे वो तो तूने वेस्ट कर दिए। रिक्शे में जाने के लिए पैसे नहीं दिमाग होना चाहिए और वो तेरी बहन में बहुत है। तुम सब मेरे पीछे आओ, जल्दी आओ। फटाफट अंदर बैठो। पर अबे पर घर मर छोड़ो, जल्दी बैठो, लेट हो रहे हैं, जल्दी बैठो। चले फिर चलो। ओए छोटी वो देख बस। हाँ हाँ बड़ी मुझे भी दिख रही है बस। हाँ तो ऐसे क्या धीरे धीरे चला रही है, थोड़ा जल्दी चलाना वरना यहाँ से भी बस छूट जाएगी। अबे भाई ये बुलेट ट्रेन थोड़ी है, रिक्शा है, रिक्शा है, और कितना तेज चलाऊं इतना ही चलता है ये। और तुम दोनों सारे लोग ऐसे बैठे क्यों हो, प्रसाद लेने आयो? बुलाओ ना भैया को, आवाज लगाओ तभी तो हमारी सुनेंगे। हाँ सही कहा सही कहा। अरे भैया रोको 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 भैया, रुको बस वाले भैया रुक जाओ, लेके जाओ भैया। बस वाले भैया रुक जाओ। अरे भैया रुक जाओ। अरे बस वाले भैया रुक जाओ, हम यहाँ पे हैं। अरे रुको भैया हम रह गए। अरे हम इधर दिख नहीं रहे क्या भैया? बस वाले भैया रुक जाओ। अरे भैया रुको, हमें भी लेते जाओ, रुको तो। बस वाले भैया। अरे बस वाले भैया रुक जाओ, अरे हम यहीं पे ही हैं। अरे हमें तो लेके जाओ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे रुक जाओ बस वाले भैया। हेलो हेलो, अरे बस वाले भैया, भैया कहाँ चले जा रहे हैं? भैया हम छूट गए हैं, पीछे तो देखो। हेलो, अरे भैया रुक जाओ, अरे यहाँ पे हम रिक्शा चला रहे, तुम बस चला रहे, हमें तो ले जाओ स्कूल जाना, टीचर बड़ा मारेगी। रुक जाओ बस वाले भैया, अरे रुक जाओ, अरे हम देख रहे हैं और तेज चला रहे हैं बस वाले भैया रुक जाओ। अभी तो देख तो बता तुमको तेरी तो कुत्ते, बस वाले भैया रुक जाओ। रुको रुको रुको, अरे बच्चों लोग मैं तो बस स्टैंड में खड़ा था पर वहाँ कोई नहीं था, मुझे लगा आप लोग चुत्ती पे हो, पर आप लोग तो रिक्शे से आए हो, मतलब मेरा स्कूल बस छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं भैया, हम लेट हो गए थे इसलिए रिक्शा से आ रहे थे। हाँ और लेट होने की जिम्मेदारी ना सिर्फ ये पूरी देवी ने ले रखी, इसकी वजह से लेट हुए हम। तेरी वजह से लेट हुए, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। अरे अरे शुक्र है, मुझे लगी मेरे पेट पे लात पड़ गई और मेरा 10-12 बच्चे का पेट कौन पालेगा। हाँ हाँ भैया अब आपकी बातें खत्म हो गई हो तो चलें, स्कूल के लिए लेट भी हो रहा है। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी आओ। अच्छा अच्छा ज्यादा मस्ती आ रही है।
अरे ओ मुझ पे क्या चोरी हो रही है, मैंने थोड़ी खींचे तेरे बाल, बैठ जा। देख लूंगी तुझे तो मैं। मेरे फिर से बाल खींच दिए। अब ओए तू खींच रहा है ना मेरे बाल, तुझे बताऊं बंदे की शक्ल के। अबे ओ छिपकर की मुंह की, ऐसा चुपचाप बैठ जा, तेरे क्या सोचा कि मैंने बाल खींचे। ठीक है बेटा, तुझे तो मैं बताऊंगी गोरे बंदर। मेरे फिर से बाल खींच दिए। अबे ओ तुम दोनों को ना बहुत हो गया, काफी देर से देख रही मेरी बहन को परेशान कर जा रहे हो। बताऊंगी अभी एक घूसा मारूंगी ना खिड़की से बाहर जाओगे सीधा नाली में गिरोगे। आज के बाद मेरी बहन को और मुझसे तंग किया तो तुम गए, समझे। अबे वो पागल है क्या, सुना नहीं तूने ये मुक्के में ना टट्टी निकाल के रख देगी, चुपचाप बैठ जा। अरे सुनो मैं क्या सोच रही थी, जब तक स्कूल नहीं आता कोई गेम खेले क्या। हाँ हाँ ये तो सही आइडिया, मैं ना घर से वॉलीबॉल भी लेकर आई हूँ, वॉलीबॉल खेलते हैं। चलो चलो चलो। अरे बस के नीचे एक अंकल और लड़की लेट रहा है। अबे भाई अब किसको ठोक दिया, अब किसको मार दिया तूने। अबे यार इसका हर बार का ऐसा ही है, किसी ना किसी को ठोकता ही रहता है ये। अरे मैंने नहीं किया, वो पहले से बस के नीचे लेट रहा है। ओहो पता नहीं क्या बोलता रहता है, अब नीचे जाके देखना पड़ेगा क्या किया है इसने। चलो आ जाओ चलो। हमारी मदद करो। अरे अंकल पहले ये बताओ कि आप अपने लड़की को यहाँ सड़क पे क्यों सुलाया है हमारे बस के सामने, इसको लेके घर पे सुलाओ। बेटा ये सो नहीं रही, ये बेहोश है। अच्छा पर इसको हुआ क्या है। बेटी इसको बिच्छू ने काट लिया है। बिच्छू? अरे अंकल बिच्छू ने नहीं सांप ने काट लिया है। अरे इसको सांप ने काट लिया, हमारी मदद करो, हमें अपने साथ ले चलो। अरे नहीं नहीं अंकल, हम लोग आपको अपने साथ लेके नहीं जा सकते, वैसे भी हम लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। नहीं नहीं अंकल, हमारे पीटी टीचर हमें गुस्सा करेंगे अगर हम लेट हो गए स्कूल, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अरे बच्चो ये देखो मैं तुम्हारी बाप के उम्र का हूँ, हमारी मदद करो। अरे अंकल शर्म करो, आप हमारे दादा परदादा और उनके भी पर परदादा की उम्र के हो। मेरे पापा के बारे में मत बोलो, मेरे पापा बड़े स्मार्ट हैं। अबे कुछ भी है, हमें अपने साथ ले चलो, हमारी मदद करो। हाँ ड्राइवर वाले अंकल, मैं तो कहती हूँ इनकी मदद हमें करनी ही चाहिए, आप प्लीज इनकी मदद करो ना, इंसानियत के नाते तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हम खुद जानवर देते हैं, प्लीज मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, सुन लो ना इनकी बात। ठीक है कर लेते हैं, पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है चलो। थैंक यू बच्चों, गुड लक, थैंक यू भगवान आप सबका भला रखे। काली चमेली बेटा उठो, समय आ गया है मिशन पूरा करने का। जी लाल सिलेंडर, समझ गई। हाईजैक, बस हाईजैक हो चुकी है, सब लोग हाथ खड़े करके चुपचाप बैठे रहो। ये लड़की तो मर गई थी, इसको तो सांप ने काटा था। मैं खुद एक नागिन हूँ, मुझे क्या कोई सांप काटेगा। अबे यार मुझे तो लगता है आज हम स्कूल पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी ये स्कूल बस छूट जाती है तो कभी हाईजैक हो जाती है, क्या करें।
अरे लेकिन तुम लोगों ने ये बस हाईजैक क्यों करी है? क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं और वो जब तक पूरी नहीं होगी ये बस हाईजैक ही रहेगी। अरे ये आपका मांगे क्या है जरा हमको भी बताओ। हमारी तीन मांगे हैं। काली चमेली पहली मांग बताओ इनको। हमारी पहली मांग है कि दिल्ली में इतनी गर्मी है उसके बाद भी आम के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको कम करवाओ। चमेली बेटा अपनी दूसरी मांग बताओ इनको। मेरी दूसरी मांग ये है कि दिल्ली में इतनी गर्मी होने के बाद भी बार बार बिजली कट जाती है, तो बिजली कटना कम करवाओ। हाँ यार ये मांग तो बिल्कुल सही है। पता है दो दिन से ना हमारे घर में भी बिजली जा रही है और हम गत्ते से पंखा कर रहे हैं। अब अपनी तीसरी मांग बताओ इनको। मेरी तीसरी मांग है कि मुझे सरोजनी नगर मार्केट का लाइसेंस चाहिए, मुझे वहाँ अपना स्टोर खोलना है। सरोजनी नगर? हाँ ये मांग तो ठीक है, सबको मिलना चाहिए लाइसेंस। और मेरा तो मन है कि 12th के बाद मैं भी सरोजनी नगर में अपने कपड़ों का ठेला खोलूंगी। चलो बस बहुत हो गया, अब जब तक ये बस हाईजैक रहेगी कोई हिलेगा नहीं। काली चमेली इनके हाथ बांध दो और मुंह पे टेप लगा दो और फिर इनको अपने खुफिया अड्डे पर ले चलो। जी उस्ताद। देखो लाल सिलेंडर, मैं जा रही हूँ इनके माँ बाप से मांग करने, तुम इन शैतान बच्चों का ध्यान रखना, पिछली बार की तरह सो मत जाना। ठीक है तुम कॉलेज में ले जल्दी आना बस। ठीक है सिर्फ एक दो कॉल ही करने हैं। अबे क्या हूँ कर रही है, रुक जा मैं आ रहा हूँ। अरे अंकल हम सबको क्या मारना चाहते हो, कम से कम हम लोगों की मुंह की पट्टी तो हटाओ, नहीं तो हम दम घुट के यहीं मर जाएंगे, फिर आपकी मांगे कौन पूरी करेगा। ठीक है मगर चलाकी मत करना। यार छोटी अब क्या करें? वही सोच रही हूँ बड़ी, रुक जा आइडिया। अरे अंकल थोड़ा पानी पिला दो, बहुत गला सूख रहा है। अबे चुप, पहले पानी पिएगा फिर शीशु जाएगा, चुप बैठ जा। अरे अंकल आज तो मेरा 16 सोमवार का व्रत भी है, मुझे तो पिला दो। ठीक है रुक जा लाता हूँ। धोखा हुआ, मार दिया रे। ओए तुम लोगों ने लाल सिलेंडर मार दिया, अब क्या होगा? हाँ मेरी मांगे कैसी पूरी होंगी यार। ओ एक्टिंग की दुकान, मरा नहीं है जिंदा है ये, बेहोश हुआ है बस, इतनी एक्टिंग की क्या था। वैसे भी इन मांगों के लिए तुमने हमें किडनैप किया था, वो तो तुम्हारी वैसे भी पूरी हो जाती, तो हमें क्यों किडनैप किया, हमारा टाइम क्यों वेस्ट करो। कोई बात नहीं बेटा। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मेरी मांगे तो वैसे भी पूरी हो सकती हैं।
है ना, अब आई ना कल दिखाने, पर क्या फायदा, कल दिखाने तो असली अब आएगी। जो हालत तुमने हमारे साथ करी थी, अब वो हालत हम तुम्हारे साथ करेंगे। ले बड़ी वो क्या देख रहे हो, पकड़े इसको। इनकी सजा तो मिली गई। चलो अब अपने स्कूल चलते हैं, लेट हो रहे हैं। चलो चलो। हे गाइस, तो कैसे आप सब, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, दूर होता मार दूंगी। और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना, मिलती मैं जल्दी एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।